18 साल से जमाने में देखा मैंने सब कुछ ही, 18 की निगाहें और नम नासिर एंड माई स्टेज नेम इज रैपर एंड बहुत क्रिटिसिज्म देखना पड़ता है सोसाइटी में, आपको कितना सोसाइटी जज करती है। की जबा मेरी कोई नहीं है सगा, यहाँ कलम है गवा मेरी, मैं होश में नहीं पर देखो रैप है दवा मेरी। सो माय नेम इज़ अनम नासिर एंड माय स्टेज नेम इज़ रैपर एनी एंड आई एम डूइंग रैप फ्रॉम 7th क्लास। तो मेरे काफ़ी ट्रैक्स आ चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे रैपर एनी, तो लगभग मेरे 6 ट्रैक्स आ चुके हैं जिसपे एक का शूट हुआ है, तो उसका नाम है लेट इट बी। तो बीता जमाने बादलों के पार कभी रुकते ना, हम बैठे उम्मीद में गलती से सीखते सागरों के सैर, कभी रुकते ना हम रुकते ना हम रुकते ना हम रुकते ना ये हम रुकते ना। रैप मैंने जब 7th से स्टार्ट किया तब मुझे पता नहीं था लाइक कैसे करना है आगे कैसे नहीं करना है, तो कुछ साल के लिए आई वॉज़ प्रैक्टिसिंग इट एंड उसके बाद रिसेंटली 7 मंथ्स आफ्टर तो मैंने वो चीज़ यूट्यूब पे स्टार्ट करी पोस्ट करना मेरे रैप एंड ऑल दैट। फिर लोगों को पता चला मेरे बारे में लाइक रैपर आनी कोई रैप कर रही है एंड उस टाइम पता नहीं था कैसे करना होता है क्या नहीं करना होता है, देन आई गॉट टू नो कैसे करना है एंड फिर मिक्स मास्टरिंग एंड ऑल दैट सब एक आउटपुट तैयार किया एंड फिर मेरे ट्रैक्स आते रहे। तो ट्रैक मेरा लेट इट बी था तो उस पर शूट हुआ था रिकॉर्डिंग के बाद एंड देन आई अपलोडेड इट ऑन माई यूट्यूब चैनल नेमली रैपर एनी। यस इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज आपको बहुत क्रिटिसिज्म देखना पड़ता है सोसाइटी में, आपको कितना सोसाइटी जज करती है रोज़, लाइक आप इवन बाहर भी जाओगे तो आपको उसी से भी डर लगेगा कि कुछ हो ना जाए, लोग आपको ऐसी थ्रेट्स देते हैं, आपके DMs में आपको टेक्स्ट आते हैं, आपको गालियाँ देते हैं लोग लाइक यू आर डूइंग दिस यू आर डूइंग दैट यू शुड नॉट डू रैप, बट लाइक अगर आप वो चीज़ सुनोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी फैमिली आपको अगर सपोर्ट करेगी तो सोसाइटी से फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, लाइक जैसे कि मैं अपनी फैमिली के बारे में बोलूँगी तो मेरी फैमिली में मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, सबसे ज़्यादा मेरे पापा का सपोर्ट है, लाइक इवन मेरे शूट्स होते हैं या साइफर्स होते हैं तो मेरे फादर मेरे साथ होते हैं, तो लाइक उससे वो एक बैकबोन रहती है कि नहीं मेरे पापा मेरे साथ है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सोसाइटी से। इंस्पिरेशन कश्मीर में अहमर सर है और अकेला है, लाइक बहुत सारे हैं, लाइक कश्मीर हिप हॉप बहुत ग्रो हो रहा है कश्मीर यहाँ पर, और बिसाइड्स दैट रफ्तार सर लाइक वो भी मेरे बहुत मतलब उनकी भी वो भी उनसे इंस्पिरेशन मैं बहुत लेती हूँ। है वाकिफ मेरा दिल जिसे खेल के ये छोड़ा तूने, प्यार के बाजार में तू मेरे जैसा दिल ढूंढे, बसर किए लम्हे उनको खाक में मिलाया तूने, एक बार नहीं 100 बार दिया दर्द तूने, ऐसे कैसे बातें भूल जाऊं जो थी तूने बोली, जख्म देके मुझे तेरी खुद की वफा, कैसे लिया झूठ का सहारा मांगी मुझसे वफा, एनी आएगी ना अब चल हो जा तू दफा कदम। फीमेल्स के लिए स्टेज तो लाइक अभी हिप हॉप कश्मीर में लाइक बहुत ग्रो हो रहा है, अंडरग्राउंड हिप हॉप इज़ लाइक ऑन आई गेस ऑन टॉप, कश्मीर हिप हॉप बहुत आगे जा रहा है और लड़कियाँ मतलब आई डोंट नो मतलब कितनी कर रही है क्या नहीं कर रही, मैं अपना बोलूँगी मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, मतलब एक बहुत जज होती थी, लेकिन फिर जब मैंने सीखा कैसे करना है क्या करना है लड़कों में कैसे कंपटीशन देना है तो नाउ आई नो कि कैसे करना है, और प्लेटफॉर्म बहुत कम है यहाँ पे,
लाइक ये साइफर्स हो रहे हैं थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस ये सब ज़्यादा नहीं ज़्यादा प्लेटफॉर्म तो नहीं है के लिए मेरी ये मैसेज है कि लाइक अगर आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट हो आप वो चीज़ करने के लिए लाइक सबसे पहले अपनी फैमिली को कन्विंस करो. जब तक आपकी फैमिली कन्विंस नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो. अगर आपकी अब फैमिली भी कन्विंस नहीं है तो लाइक यू हैव टू डू इट एनी वे. लाइक अगर आप उतने ज़्यादा पैशनेट हो तो लाइक आपको करना ही करना है. या तो अगर आप ऐसे टाइम पास के लिए कर रहे हो तो फिर आपको नहीं करना चाहिए. अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें.